सब्सक्राइब कीजिए वुडवर्क जेट के यूट्यूब चैनल को, साथ में ही बेल आइकन दबाएं सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। देख रहे हैं अपना वुडवर्क जेट के यूट्यूब चैनल, मेरा नाम है जहीर। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा स्लाइडिंग वार्डरोब। अगर आपको जैसे स्लाइडिंग वार्डरोब बनानी है, जो मार्वल के हम वार्डरोब बना लेते हैं, तो उसमें जैसे आप पार्टीशन खड़े करा लेते हैं, तो उसके अंदर अगर आपको जैसे स्लाइडिंग भी चलानी है, तो उसको किस तरीके से चलानी चाहिए, हमारा जो साइज रखा जाता है वो किस हिसाब से रखना चाहिए, उसके अंदर जैसे आपको फिटिंग करनी है किस हिसाब से करनी चाहिए, तो मैं इस वीडियो में आपको फिटिंग के बारे में बताऊंगा और आपको इसमें दिखाऊंगा मैं स्लाइडिंग चैनल अगर आपको लगानी है, स्लाइडिंग वार्डरोब बनानी है, तो किस तरीके से बनानी चाहिए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरी वीडियो देखें लास्ट तक, आपको पता चलेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिसमें कि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों वीडियो में चलते हैं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, अगर आपको जैसे स्लाइडिंग वार्डरोब बनानी है, तो हमारे ये स्लाइडिंग वार्डरोब है। मैं इसका साइज आपको बाद में दिखाऊंगा, जैसे आपको इसको किस तरीके से बनाया दूर से अगर डिजाइन देखना, तो आपको किस तरीके से देख सकते हैं। ये हमारी स्लाइडिंग वार्डरोब है, ये देख सकते हैं, ये अंदर से मार्बल की है, इसी में हमने स्लाइडिंग चैनल लगा रखी है और अपने ये जो हमने बना रखा है इसमें फ्रेम लगा के, लकड़ का फ्रेम लगाना आपको, अगर आप बोर्ड का लगाते हो तो बोर्ड का भी लगा सकते हो। इसमें मजबूती जो आती है लकड़ से आती है, इसके अंदर आप बना सकते हैं इस तरीके से, अपना देख सकते हैं इसमें। और ये हमारा नीचे भी चैनल के लिए लगाया जाता है, तो इसमें आपको बॉर्डर उसी हिसाब से देना जो देखने में अच्छा लगना चाहिए, और इसकी जो लकड़ रखनी है आपको मोटाई में 2 इंची होनी चाहिए कम से कम, जिसमें कि आपकी जो स्लाइडिंग होती है वो नीचे लटक नहीं लेनी चाहिए और स्लाइडिंग सही चलनी चाहिए, मजबूती रहनी चाहिए। तो स्लाइडिंग वार्डरोब के लिए अगर आपको जैसे मार्बल की, यहाँ से दिखा दो एक बार, ये मार्बल की है, इसके अंदर हमारा ये हमने बना रखा फ्रेम बना के अपना लगा रखा, ये स्लाइडिंग डोर्स है, 4 डोर्स वाली स्लाइडिंग वार्डरोब है। तो ये हमने इसमें लॉक लगा रखा और ये दूसरा डोर से हमारा अंदर, ये आपको जो लगाना है किस तरीके से लगाना चाहिए, जैसे दोनों की सिमेट्री ये देख सकते हैं, ये जो सिमेट्री है दोनों की सेम आनी चाहिए, ऊपर दोनों पल्ले लेने होते हैं जैसे 4 डोर्स की होती है। इधर हमारा ये पार्टीशन है, ये अभी काम चल रहा है यहाँ पे, इसका मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा आपको। ये आप देख सकते हैं ये फ्रेम लगा रखा, ये फ्रेम लगाना आपको सेम उसी कलर का अपना बॉर्डर बनाना है, जैसे एक कलर कोई भी लगाते हो आप, डार्क लगाते हो लाइट लगाते हो, एक ही कलर का बॉर्डर बनाना इसमें आपके जो खाने होते हैं। तो ये अगर आप जैसे पार्टीशन बना लेते हो मार्बल के, तो उसके हिसाब से अपना साइज रख सकते हैं इसमें, जैसे आपको रखने जो हमारा कोर्ट के साइज़ होता है 40 इंची और नीचे अपना 15 इंची, इस तरीके से डिवाइड करके अपने 2 साइज में बना सकते हैं। तो नीचे ये आपका जो रोकना है किस हिसाब से रोकना वो मैं आपको बताऊँगा। ये हमारा एक साइड का वार्डरोब हो गया, ये दूसरी साइड का, तो इसमें भी वैसे ही अपना खाने है और उसके अंदर हमने ये ड्रॉर बना रखी है, अगर आप अंदर से ड्रॉर ले सकते हैं, ये देख सकते हैं अंदर से, ये अंदर भी हमने लैमिनेट लगा रखी है इसमें। तो ये अपना ऊपर, अगर आपको जैसे लॉक लगाना तो लॉक के लिए, और नीचे वाला बिना लॉक के जैसे आपको बनाना, तो 2 ड्रॉर बना रखी है इसमें। इसकी गहराई ज़्यादा है अलमारी की, गहराई आपको जो रखनी है, साइज़ इसके रखे जाते हैं 24 इंची, अगर आपको जो गहराई रखी जाती है 24 इंची, उसके बाद अपने नीचे ये हमारा जो लगाया जाता है इसको किस तरीके से बनाना है, एक मिनट इधर दिखा दो आप, ये नीचे से मार्बल के ऊपर रखनी है आपको, नीचे का जो बेस बनाना है आपको, जैसे नीचे ड्रॉर बनाते हो तो उसका बेस जो होता है हमारा मार्बल के ऊपर से रखी जाती है जो फ्रेमिंग होती है। तो मार्बल के जो हमारा फ्रेम रखा जाता है, मार्बल का नीचे का जो बेस होता है उसके ऊपर ही रखा जाता है, उसके बाद अपना इसमें फिक्स कर सकते हैं, जैसे आपका यहाँ पे अगर आपको पट्टी लगानी, पट्टी भी लगा के इसको फिक्स कर सकते हैं। अगर आपको जैसे जो लकड़ी होती है मोटी ज़्यादा है, चौड़ाई ज़्यादा है उसकी, तो उसमें हमारे जैसे ये चौड़ाई ज़्यादा होती है, ये मोटाई अगर आपकी ज़्यादा होती है तो ये आपका हिलता नहीं है इस तरीके से, तो इसमें ये मजबूती आ जाती है आपकी। उसके बाद अपना इधर दूसरी साइड का, इसमें आप अपने मार्बल के हिसाब से पार्टीशन लगवा सकते हैं, जिस हिसाब से आपको खाना रखने होते हैं, तो उसमें आप पार्टीशन दे सकते हैं इस तरीके से, सेल्फ लगा सकते हैं। अगर आपको जैसे ये डिज़ाइन लगाना है, ये सॉफ्ट क्लोज चैनल लगा रखी है हमने, इसमें आवाज़ नहीं आएगी, आराम से बंद होगा। ये जो आपको डिज़ाइन लगाना है ये कम से कम 10 इंची का लगाया जाता है, और ये आपके जो ये ऊपर का रहता है तो इसको डिवाइड करके जितना बड़ा आपका डोर्स है दोनों में आपका बराबर होना चाहिए, नीचे का भी ऊपर का, इस हिसाब से आपको लगा सकते हैं। अगर आपको इसको नीचे लगाना, नीचे भी ले सकते हैं, अगर आपकी जैसे हाइट ज़्यादा होती है दरवाजे की तो फिर नीचे ले जाता है, ये इस हिसाब से आपको लगाना, जैसे आपके 8 फुट की हाइट हो जाती है नीचे। अब हमारी 4 ड्रॉर है इसमें, ये 4 ड्रॉर है मार्बल के अंदर ही फिट कर रखी हैं, एक बार पास में दिखा दो, इसमें भी अंदर लैमिनेट है हमारी। ये आपको जो प्लाई लगानी है नीचे वाली कम से कम 9 mm की, और ये हमारा दूसरा भी,
इसकी जो हाइट है ड्रॉर की 10 इंची आपको जो रखनी है, 10 इंची कम से कम 10 इंची होनी चाहिए जिसमें कि हमारा सामान जो होता है ज़्यादा आ जाता है 10 इंची में। और इसमें चप्पू हैंडल लगा सकते हैं जिसमें अड़ा नहीं, 4 इंची का हैंडल है, वी सेंटर में हैंडल लगाने आपको। ये आपका जो ड्रॉर है साइज जितना आपका होता है तो उसके ड्रॉर्स के हिसाब से ले सकते हैं। इसका जो हमारा ग्रुप आता है इसकी जो लेंथ है इसी के हिसाब से आप अपना इसमें गैप ले सकते हैं। ऐसे ही होना चाहिए जैसे डोर्स आपके स्लाइडिंग के आते हैं तो उसके सामने ही आपका लाइन आनी चाहिए। इसके बाद आपका ऊपर के डोर्स हैं, यह भी हमने ऊपर सॉफ्ट क्लोज चैनल लगा रखी है। इसमें भी बड़े सामान रखने के लिए जैसे आपको सूटकेस अटैची रखनी है तो उसके हिसाब से जैसे आपका ज़्यादा बड़ा सामान होता है तो उसको आसानी से रख सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, तो इसमें भी हमारे ऊपर सॉफ्ट क्लोज है। तो ये जो आपको हैंडल लगाने होते हैं ये अपने हैंडल भी सेंटर में ले सकते हैं। तो ये भी हमारा फ्रेम ही है, ये देख सकते हैं। इसमें मोटी लकड़ लगानी है आपको और ऊपर अपना सामान के हिसाब से जैसे आपको मार्बल की अलमारी होती है उस हिसाब से बना सकते हैं। और मैं इसका पूरा डिज़ाइन दिखा देता हूँ आपको, रोक दो। तो ये देख सकते हैं पूरा डिज़ाइन वार्डरोब का हमारा। और आपको बनानी है तो इसका साइज भी बताऊँगा आपको, एक बार इनके चार ड्रॉर्स खोल के दिखाना। अगर आपको ये डिज़ाइन बनाना है इस तरीके से डिज़ाइन ले सकते हैं अपना। ये मार्बल की अगर आपको वार्डरोब लेनी है, वार्डरोब हमारी जो हमने बनाई है तो इसमें आप अपना डिज़ाइन देख सकते हैं। डिज़ाइन अगर आपको बनाना है तो जैसे इसमें ऊपर हमारा वाला जो हमने इसमें डिज़ाइन लगाया बीच में और हमारा नीचे 10 इंची का ब्लैक वाला और ऊपर हमारा 5 इंची, इस तरीके से ले सकते हैं डिज़ाइन। बीच में ही देना आपको डिज़ाइन, डिज़ाइन के हिसाब से। ये ड्रॉर खोल कर दिखा दो एक बार चारों, ये अपने डोर से ऊपर के डोर से लेने दो, नीचे के ड्रॉर ये अपना ये साइड में ड्रॉर लेनी है आपको अगर आप स्लाइडिंग वार्डरोब बनाते हैं जिसमें कि डोर्स में अड़ना नहीं चाहिए, साइड में अच्छा रहता है और उसमें अपनी जगह भी यूज हो जाती है, जगह ख़राब नहीं होती। तो इस तरीके से अपना बना सकते हैं। नीचे की चारों ड्रॉर खोल कर दिखा दो, ये नीचे अपना मार्बल में ये हमने फिक्स कर रखा है। अगर आपको जैसा फिक्स करना है कोई दिक्कत नहीं आती, मार्बल के अंदर मेल फीमेल लग जाते हैं और हमारे इसमें स्क्रू लूज नहीं होते, मेल फीमेल जो लगा देते हैं हम स्क्रू लूज नहीं होते हैं। और बाकी अगर आपको जैसे लगाना गिट्टी वाला वो सिस्टम गलत रहता है तो आप अगर आपको जैसे किचन में बनाना है तो किचन भी लगाते हो आप बास्केट तो उसमें चैनल जब कसनी है आपको तो मेल फीमेल से कोई दिक्कत नहीं आती किसी प्रकार की। एक बार बंद कर दो उनको सबको। तो ये अपने चारों डोर्स वाली, अगर आपको जैसे इसमें डोर्स लेने वो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से बनाने। तो ये अपने जैसे डोर्स आपको बनाने तो किस तरीके से बनाने चाहिए, जैसे ये हमारा एंट्री है तो इधर से आपका दरवाज़ा है, ये तो दरवाजे के पीछे हो जाता है तो ये दिखता नहीं है उधर से, ये टक्कर दिखनी नहीं चाहिए आपके ऊपर रहनी चाहिए। ये डोर्स हमारा अंदर ही साइड होता है और ये जो डोर्स बनाने होते हैं जैसे हमारा गैप होता ये अंदर वाला डोर्स, अगर आपको जैसे बनाना साइज़ में दोनों के बराबर साइज़ होते हैं, बी सेंटर दोनों के बराबर होते हैं और ये हमारा जो अंदर वाला डोर्स होता है 1.5 इंची बड़ा होता है जिसमें लॉक आपके इस तरीके से लॉक हो जाता है। ये देख सकते हैं लॉक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, स्लाइडिंग लॉक ऐसे लगा सकते हैं। और अपना एक दूसरा भी आता है साइड में जो लगता है इधर साइड से उसमें दिक्कत आ जाती है, वो ख़राब हो जाता है जल्दी से, तो इसको लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती, ये आपका लॉक हो जाता है। तो इस तरीके से ले सकते हैं। तो इसमें ये आपको दोनों बराबर रखने इस तरीके से रखने, अगर चार डोर्स वाली आपकी वार्डरोब है तो उसके हिसाब से बना सकते हैं। तो इसका जो साइज़ है वार्डरोब का हमारा 12 फुट है, 9.5 फुट हाइट है, चौड़ाई 12 फुट, ये आपको 5 इंची का लगाना है बीच में। अगर आपको डिज़ाइन इस तरीके से लेना ये 10 इंची का हमारा, इसी हिसाब से ले सकते हैं दराज हमारी 10 इंची हाइट में नीचे से, बॉर्डर आप अपने हिसाब से ये जितनी मोटी लकड़ लगानी है उस हिसाब से बना सकते हैं। हमारे यहाँ पे इस बेडरूम के अंदर काम चल रहा है, अगर आपको जैसे टीवी पैनल का भी बनेगा तो इसका मैं जैसे कंप्लीट होगा तो मैं दिखा दूंगा। ये देख सकते हैं इधर ये हमारा टीवी पैनल का, तो अभी काम बाकी है, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा जब इसमें हमारा सामान लगने के बाद कैसा लगता है, किस तरीके से टीवी पैनल बनेगा, इसका डिज़ाइन किस तरीके से होगा। तो डिज़ाइन के हिसाब से आप देख सकते हैं और अपना इस हिसाब से बना सकते हैं। तो इस जैसे डिज़ाइन पसंद करने हैं जो हमारे वार्डरोब के डिज़ाइन होते हैं, टीवी पैनल के भी डिज़ाइन होते हैं, तो आप इंस्टाग्राम पर देख सकते हैं। इंस्टाग्राम हमारा जो पेज है वुडवर्क जाटके के नाम से है, जिस नाम से हमारा चैनल है उसी नाम से हमारा इंस्टाग्राम है, तो वहाँ जाकर अपने डिज़ाइन पसंद कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक दे सकते हैं। अच्छे अच्छे हम वीडियो बनाते रहते हैं, ऐसे ही अच्छा वीडियो फिर लेकर आते हैं आपके लिए। आप अपना रखिए ख्याल, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे। थैंक यू फ्रेंड।